नमस्कार दोस्तों, मैं निखिल पांडे सारांश एकेडमी के प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग गजानन माधव मुक्तिबोध की कविता, जो सबसे चर्चित कविता है, आशंका के घेरे में नाम से प्रकाशित हुआ 1964 में कल्पना पत्रिका में, आज अंधेरे में कविता का भाग 5 और भाग 6 आज हम लोग यहां पर सुनेंगे। आइए कविता शुरू होती है। एकाएक मुझे भान होता है पीछे से किसी अजनबी ने कंधे पर रखा हाथ। चौंकता हूं मैं भयानक, एकाएक थरथर रेंगती हुई सिरक नहीं नहीं ऊपर से गिरकर कंधे पर गैठ गया बरगद का पात एक। क्या वह संकेत था, क्या वह इशारा था, क्या वह चिट्ठी है किसी की, बरगद आत्मा का पत्र है, क्या वह कौन सा इंडिकेशन है। भागता मैं दम छोड़, घूम गया कई मोड़, बंदूक धाए धाए मकानों के ऊपर प्रकाश सा छा रहा गेरुआ। भागता मैं दम छोड़, घूम गया कई मोड़, घूम गई पृथ्वी, घूम गया आकाश, और फिर किसी ने मुझे घर की ओर पत्थर की सीढ़ी दिखाई दी उस पार। चुपचाप बैठ गया सिर पकड़कर, दिमाग में चक्कर चक्कर भंवरों की गोल गोल केंद्र में दिखा स्वप्न सरीखा। भूमि की सतह से बहुत बहुत नीचे अंधियारी एकांत प्राकृतिक गुहा एक विस्तृत खोह के सावले तन में तिमिर को भेद कर चमकते हैं पत्थर रेडियो एक्टिव रत्न से भी बिखरे। झरना है जिन पर प्रबलता प्रपात है, प्राकृतिक जल का वह आवभाव है, दुमित मणियों की अग्नियों से फिसलन फिसल फिसल कर बहती लहरें, लहरों के तनों में फूटती हुई किरणें, रंगों की रंगीन रूपी आभा फूट निकलती है, खोह की बेडौल भीतें झिलमिलाती हैं, पाता हूँ निज की खोज के भीतर, विलुप्त नेत्रों से देखता हूँ दुतियों को, मणि तेज क्रिया हाथों से लेकर विभोर आँखों से देखता हूँ उनको, और पाता हूँ कि अकस्मात एक दीप्ति वलित रत्न नहीं है, अनुभव वेदना विवेक निष्कर्ष हो जाता है, मेरे ही अपने यहाँ पड़े हुए हैं। विचारों की रक्त में अग्नि के मणि में के वे प्राण जनप्रपात में घुलते हुए प्रतिपादित चले हो जाते हैं। अकेले में किरणों को भीली गली में हलचलाते हुए गीली गीली झिलमिल की तरह देखता हूँ। हाय हाय, मैंने उन्हें गुहा बास दिया है, लोकहित के क्षेत्र से कर दिया वंचित, जनोपयोग से वर्जित किया है, निषिद्ध कर दिया, खोह में डाल दिया, वे खतरनाक थे, बच्चे भीख मांगते, खैर यह समय है जूझना ही तय है, यह समय है जूझना ही तय है। भाग 6, अंधेरे में। सीन बदलता है, सुनसान चौराहा फैला हुआ है, सीन बदलता है, सुनसान चौराहा सांवला फैला हुआ है, बीच में वीरान गेरुआ घंटा घर, ऊपर कत्थई बुजुर्ग गुंबद, सांवली हवाओं में काला टहलता है, रात में पीले हैं चार घड़ी चेहरे, मिनट के कंटों को चार अलग अलग गतियों का चार अलग अलग कोण कि चार अलग अलग संकेत, मनस में गतिमान चार अलग अलग गतियां, खंभों पर बिजली की गर्दनें लटकती हुई, शर्म से जलते हुए बल्बों के आसपास बेचैन ख्यालों के पंखों के कीड़े उड़ते हैं गोल गोल, मचल कर रह जाते हैं घटाघट तले ही, पंखों के टुकड़े टुकड़े बीट के तिनके, गुंबद विपिन की दीवार पर बैठे हुए बूढ़े असंभव पक्षी बहुत तेज नज़रों से देखते हैं सब ओर, मानो कि इरादे भयानक चमकते हों, सुनसान चौराहा बिखरी हैं गलियां, बिखरा है रफ्तार,
गश्त में घूमते हुआ कोई दृष्टि इच्छा, भयानक सिपाही के जाने की बकी हुई झोंक, अंधेरे में सुलगता सिगरेट, अचानक तांबे से चेहरे की ऐठी झलकती पथरीली सलवट, दिया सलाई की पल भर में लौ में भयानक दिखती है, पर उसके चेहरे का रंग बदलता है हर बार, मानो अनपेक्षित कहीं कुछ और हो, जाने क्या हो जाए। वह ताक रहा है, संगीन नोकों पर टिका हुआ है, सांवला बंदूक सा जत्था गोल त्रिकोण पर बनाए खड़ा है, चौक के बीच में एक और टैंकों का दास्तां भी खड़े खड़े ऊँगता है, परंतु अड़ा हुआ है। भागता है दम छोड़कर, घूम गया है कई मोड़, भागती है चपल चटपट की आवाज़, चाटों सी पड़ती है पैरों के नीचे की कीच उछाड़, मैं चेहरे पर छाती पर पड़ने वाले साहस को ग्लानि की भांति मलता हूँ, गालियों का गोल गोल खोह अंधेरा चेहरे पर आँखों पर करता है हमला, अजीब उमस है बास है गलियों का रुधा हुआ उच्छ्वास है, भागता हूँ दम छोड़कर, घूम गया कई मोड़, धुधल के आकार कहीं कहीं दिखते हैं, भय के या घर के कह नहीं सकता, आता है अकस्मात कोलतार का रास्ता, लंबा और चौड़ा स्याह व ठंडा, बेचैन आँखों से देखता है सबोर, कहीं कोई नहीं है, नहीं कहीं कोई भी, श्याम आकाश में संकेत भाषा सी तारों की आँखों में चमचमा रही है, मेरा दिल दिए की तरह टिमटिमा रहा है, कोई मुझे खींचता है रास्तों के बीच में, जादू से बाधा हुआ चल पड़ता है उस ओर, सपाट सुने ऊंची सी खड़ी जो तिलक की पाषाण मूर्ति निसंग खड़ी हुई है, स्तब्ध हूँ जड़ी भूत हूँ, देखता हूँ उसको, परंतु ज्यों ही मैं पास पहुँचता हूँ पाषाण पिंडिका हिलती सी लगती है, अरे अरे यह क्या, कण कण कांप रहा है जिसमें झरने नीले इलेक्ट्रॉन्स सब ओर गिर रहे हैं, चिंगारियां नीली मूर्तियों के तन से झरते अंगार, मुस्कान पथरीली होठों पर कांपी करता है, आंखों में बिजली के फूल सुलगते हैं, इतने में यह क्या, यह भव्य ललाट की नक्शिका में क्या है, बह रहा है खून न जाने कब से लाल लाल गर्गीला रक्त टपकता खून के धब्बे से भरा हुआ अंगारा, मानो की अतिशय चिंता के कारण मस्तक कोष ही फूट पड़ेगा सहसा, मस्तक रक्त की उठ नासिका से निकल पड़ेगा, हाथ हाथ पित्त और पित्त से ओ चिंता में इतने उलझे हुए, हम अभी जिंदा हैं, चिंता क्या है, मैं उस पाषाण मूर्ति के ठंडे पैरों को छाती से बरबस चिपका लेता हूँ, रुधसा सा जाता हूँ, देह में तन गए करुण के कांटे पर, छाती पर सिर पर बाहों पर मेरे गिरती हैं नीली नीली बिजलियों की चमक चिंगारियाँ, रक्त टपक रहा है हृदय में मेरे, आत्मा में बहता सा लगता है खून का तालाब, इतने में छाती के भीतर ठक ठक, सिर में है धड़ धड़, कट रही है हड्डी, फिक्र जबरदस्त होती है, विवेक चलता है तीखा सा कि चल रहा है बस, छीले जा रहा है मेरा निजत्व का कोई, बहुत इम्पॉर्टेंट बात है, छीले जा रहा है मेरा निजत्व का कोई, भयानक जिद कोई जाग उठी है मेरे अंदर, कोई बड़ा भारी हट उठ खड़ा हुआ है, इसमें भी आसमान कांप उठा धाए धाए, बंदूक धड़ाक धड़ाक बिजली की रफ्तार पैरों में घूम गई है, खोहों सी गलियों के अंधेरे की ओर मैं थक कर बैठ गया हूँ, सोचने विचारने लगा हूँ, अंधेरे में घूबे हुए मकानों के छप्परों के पार से रोने की पतली सी आवाज़ सुने हुए कांप रही है दूर तक, कराहों की लहरों के पास वो प्रकृति में वेदना भयानक थर थरा रही है,
मैं उसे सुनने का करता हूँ यत्न कि देखता क्या हूँ सामने मेरे सर्दी के बोरे को ओढ़कर कोई एक अपने हाथ पैर समेटे कांप रहा है, हिल रहा है, वह मर जाएगा। इतने में वह सिर खोलता है सहसा, बाल बिखेरता है, चीखते हैं कान की, फिर मुंह खोलता है, वह कुछ बुदबुदा रहा है। किंतु मैं सुन नहीं रहा हूँ, ध्यान से देखता हूँ। यह कोई परिचित जिसे खूब देखा था, निरखा था, परखा था कई बार, पर पाया नहीं था मैं। अरे हाँ, वह तो विचार उठते ही दब गए, सोचने का साहस सब चला गया। वह मुख, वे तो गांधी जी। इस तरह का पंगु, आश्चर्य। नहीं, वे जांच पड़ताल कर सुरागरी में कुछ करते हैं चुपचाप, रूप बदल कर कुछ करते हैं चुपचाप सुराग गली में। अंधेरी की स्याही में डूबे हुए देव के सम्मुख पाकर मैं अति दीन बेचारा हो जाता हूँ कि पास बिजली का झटका लगता है और कहता है, भाग जा हट जा। हम हैं गुजर गए जमाने के चेहरे, आगे तू बढ़ जा। किंतु मैं देखा किया उस मुख को, गंभीर दृढ़ता की सलाटें वैसी शब्दों में गुरुता को कह रही हैं कि दुनिया के ना कचरे का ढेर कि जिस पर दांतों को चुगने का चढ़ा हुआ है कोई कुक्कुट। कोई भी मुर्गा यदि बाग दे उठे जोरदार बन जाए मसीहा, वे कह रहे हैं मिट्टी के लोदों में किरणे खिल रही हैं गुण में। जनता के गुणों के से ही संभव है भावी का उद्भव। गंभीर शब्दों में वे आगे और बढ़ गए, जाने क्या कह गए। मैं अति उद्विग्न बेचैन हूँ। एकाएक उठ पड़ा आत्मा का पिंजर, मूर्ति ठहर उठी। नाक पर चश्मा, हाथ पर डंडा, कंधे पर बोरा, बाह में बच्चा, आश्चर्य घोर आश्चर्य। यह शिशु कैसा है, मुस्कुराकर उसी तेजी से पुरुष ने कहा, तब मेरे पास चुपचाप सोया हुआ था यह, संभालना इसको सुरक्षित रखना। मैं कुछ कहने को होता हूँ, इतने में वहाँ पर कहीं कोई नहीं है और ज़्यादा अकेला अंधेरे का फैलाव बढ़ता है। बालक लिपटा है मेरे इस गले में चुपचाप, छाती से कंधों से चिपका है नन्हा सा आकाश। स्पर्श करता हूँ सुकुमार, प्यार भरा कोमल, किंतु भार का गंभीर अनुभव, भावी की गंध और दूरियां अंधेरी। आकाशी तारों के साथ लिए हुए मैं चलते जा रहा हूँ, घुसता ही जा रहा हूँ। फसलों की खोहों की तहों में सहसा रो उठकर बधे हुए वह शिशु, रो उठ कंधे पर वह शिशु। अरे अरे वह स्वर तो अतिशय परिचित है, पहले भी कई बार तो कहीं न कहीं सुना है। उसमें तो स्फोट क्षोभ का आवेग, गहरी शिकायत है, क्रोध भयंकर है। मुझे डर है यदि कहीं कोई वह स्वर सुन ले तो हम दोनों फिर कहीं नहीं रह सकेंगे। मैं पुचकारता हूँ, बहुत दुलारता हूँ, समझाने के लिए तब गाता हूँ गाने। अधधूली लोरी की होठों पर फूटती हैं। मैं चुप करने की जितनी भी यत्न कोशिश करता हूँ उतनी ही चीखता है कोर से लगातार। नीले नीले अंगारे टपकते हैं मुझ पर, किंतु न जाने क्यों बहुत प्रसन्न हूँ। जिसको न मैं इस जीवन में कर पाया वह कर रहा हूँ। मैं शिशु की पीठ को थपथपा रहा हूँ। आत्मा है गीली,
पैर आगे बढ़ रहे हैं, मन आगे जा रहा है, डूबता हूँ मैं किसी भीतर की सोच में, हृदय की खोह में रक्त का तालाब, रक्त में डूबी है तेजी से मणियाँ, रुधिर से फूट रही हैं लाल लाल किरणें, अनुभव रक्त में डूबे हुए संकल्प, और ये संकल्प चलते हैं साथ साथ, अंधियारे गलियों में मैं चलता जा रहा हूँ, मैं चलता जा रहा हूँ, इतने में पाता हूँ कि अंधेरे में सहसा, कंधे पर कुछ नहीं, वह शिशु चला गया जाने कहाँ, चला गया जाने कहाँ, और अब उसके ही स्थान पर मात्र है सूरजमुखी के फूल के गुच्छे, उन स्वर्ण पुष्पों के प्रकाश विकीर्ण से कंधों पर, सिर पर, गालों पर, तन पर, रास्तों पर फैल रहे किरणों की कणकण को, वाह भाई क्या खूब है। इतने में गली एक आ गई और मैं दरवाज़ा खुला हुआ देखता हूँ, जीना है, अंधेरा है, कहीं कोई ढिबरी सी टिमटिमा रही है, मैं बढ़ रहा हूँ, कंधों पर फूल के लंबे लंबे गुच्छे हैं, क्या हुए, कहाँ गए, कंधों पर वजन से दुख रहे हैं सहसा, ओहो बंदूक आ गई, वाह वाह वजनदार राइफल भाई, खूब क्या खूब कहा है कि खुला हुआ कमरा है, सांवली हवा है, झांकती हैं खिड़कियों से अंधेरे में टमे हुए सितारे, फैली हैं बर्फीली सी कांस की वीरान, तितर बितर सब फैल रहा है सामान, बीच में कोई जमीन पर पसरा है, फैलाए है बाहें, ढक रहा है, ढक रहा है, आखिर मैं देह को चेहरे पर फैलाता हूँ और टार्च से देखता हूँ, खून भरे बाल में उलझा है माथा, खून भरे बाल में उलझा है माथा, बाहों के बीच में गोली का सुराख, खून का पर्दा गालों पर फैला है, होठों पर सूखी है कत्थई धारा, फूटा है चश्मा, नाक है सीधी, ओफ एकांत प्रिय है मेरा, परिचित व्यक्तित्व है, हाँ वही सच्चाई थी, सिर्फ एक असहाय वह कलमकार था, गलियों के अंधेरों का, हृदय के भार का, पर कार्य क्षमता से वंचित व्यक्तित्व, चलता था अपना असंगत अस्तित्व लेकर, सुकुमार मानवीय हृदयों से अपने सुचित विश्व को मात्र के थे सपने, स्वप्न व ज्ञान जीवानुभावों को हलचल करता रह रहा था दिन रात, किसी को भी दे नहीं पा रहा था, वह तो शून्य के जल में डूब गया था नीरव, हो नहीं पाया था उपयोग उसका, किंतु न जाने किस झोंकों में क्या कर गुजरा है, संदेहास्पद समझ गया है और मारा गया वह बधिकों के हाथों से, मुक्ति का इच्छुक तृष्णा से अंतर, युक्ति के यत्नों का निरंतर, सबका था प्यारा अपने में द्रुतिमान, उसका क्यों बध हुआ, मर गया एक युग, मर गया एक जीवन आदर्श, इतने में मुझको कोई चिढ़ाता है, इतने में मुझको कोई चिढ़ाता है, सवाल है कि मैं क्या करता था अब तक, भागता फिरता था सबूर, फजूल की बातें करता था, कोसता था खुद को, एकदम जरूरी दोस्तों को खोजूं, पाऊं मैं नए नए सहचर, सत्कर्म सतचित वेदना भास्कर, जीने से उतरा एकाएक विद्रूप रूपों से घिर गया गला सहसा, पकड़ मशीन सी भयानक आकार घेरते हुए मुझको, मैं आताताई सत्ता के सम्मुख, एकाएक हृदय धड़कन रुक गया, क्या हुआ, भयानक सनसनी पकड़कर कॉलर गला दबाया गया, चांटों की कनपटी से टूटी हुई सुनी क्या, त्वचा उखड़ गई गाल की पूरी, कान में भर गई भयानक अनहद नाद की भन भन, आंखों में तैरी रक्तिमय तितलियां, चिंगारियां नीली, सामने उगते हुए धुंधले डूबते हुए धुंधले, कुल्हड़े बर्तन जिनका की चक्रिल केंद्र ही फैलता जाता है,
उसका फैलाव दिखते मुझको, धस रहे हैं, गिर रहे हैं बड़े बड़े टावर, घुंघरा धुआं, गेरुआ ज्वाला, हृदय में भगदड़, सम्मुख दिखता है उजाड़ बंजर के टीलों पर सहसा, रो उठा है कोई, रो रहा है कोई, भागता कोई, सहायता देने कोई, अंतर तत्वों को पुनर्प्रबंध कर पुनर्व्यवस्था की पुनर्गठन सा होता जा रहा है। दृश्य ही बदल गया, चित्र ही बदल गया, दृश्य ही बदल गया, चित्र ही बदल गया, जबरन ले जाया गया मैं गहरे अंधियारे कमरे में, स्याह फिसर में, टूटे हुए स्टूल पर बिठाया गया हूँ, शीश की हड्डी हड्डी जा रही तोड़ी, लोहे की कील पर बड़े बड़े हथौड़े पड़ रहे लगातार, शीशे का मोटा अस्थिर कवच ही निकला निकाल डाला है, देखा जा रहा है मस्तक यंत्र में कौन कौन से विचारों की कौन कौन सी ऊर्जा, कौन कौन सी सिरा में कौन कौन सा धड़कन धड़क रहा है, कौन कौन से रंग में कौन कौन सी फुरफुरी, कहाँ है पश्चिंत की कैमरा जिसमें तथ्यों के जीवन को हृदृश्य उतारते, कहाँ कहाँ सच्चे सपनों के आशय, कहाँ कहाँ क्षोभ में स्पोर्ट सामान, भीतर कहीं पर गड़े हुए गहरे तलघर, अंदर छुपे हुए छापे खाने से खोजो, जहाँ की चुपचाप ख्यालों के पर्चे छुपते रहे हैं बांटे जाते हैं, इस संस्था के मंत्री खोजो, शायद उनका ही नाम होगा आस्था। कहाँ है सरगना इस टुकड़ी का, मेरे को समझ नहीं आता, कहाँ है मेरी आत्मा, और मैं सुनता हूँ चिढ़ी हुई ऊंची खिलझाई हुई आवाज़, स्क्रीनिंग करो मिस्टर गुप्ता, मिस्टर गुप्ता स्क्रीनिंग करो, क्रास एंजामिन हित थिरोपे करो, लगाओ चाबुक चक्कर मार कर पीठ पर, यद्यपि उखड़े चर्म की कत्थई रक्त रेखाएं उभरी हुई, पर यह आत्मा कुशल बहुत है, देह में रंग रही संवेदना के झनझन तारों को जबरन समेट कर वह वेदना के विस्तार करके इकट्ठा, मेरा यह मन जोर लगा रहा है बलत उसकी छोटी सी ठुड्डी, गठान बांधता सख्त मजबूत मानो कि पत्थर, जोर लगाकर उसी गठान को हथेलियों से करता है चूर चूर, धूल में बिखरा देता है उसको, मन यह हटता है कि देह की हद से जाता है कहीं अलग अलग जगत में, विचित्र क्षण है, सिर्फ जादू है मात्र मैं बिजली, यद्यपि खोह में खूटे से बंधा हुआ हूँ दैत्य के आसपास, किंतु मैं बहुत दूर मीलों के पार हूँ, गिरता हूँ चुपचाप पत्र के रूप में किसी एक जेब में, वह जेब किसी एक फटे हुए मन की है, समस्वर समतल सहानुभूति की सनसनी कोमल, हम कहाँ नहीं हैं सभी जगह हम, निजता हमारी भीतर भीतर बिजली के जीवित तारों के जाले, ज्वलंत तारों की भीषण गुत्थी, बाहर बाहर धूल सी भूरी, जमीन की पपड़ी, अग्नि को लेकर मस्तक हिमवत उग्र प्रभंज लेकर यह बिल्कुल निश्चल भीषण शक्ति को धारण करके आत्मा की पोशाक दीन व मैली विचित्र रूपों को धारण करके चलता है जीवन लक्ष्यों के पथ पर रिहा। छोड़ दिया गया अब छाया मुख कई करते हैं पीछा, श्यामकार ने छोड़ते हुए मुझको, जहाँ गया जहाँ रुका जहाँ जला वहाँ पर भावों को नीचे रहस्यमय छेद मारते हैं संगीत, दृष्टि की पथरी हुई चमक पर पैनी, मुझे अब खोजने होंगे साथी, काले गुलाब व स्याह सवंती, श्याम चमेली, संवलाए हुए कमल जो खोह के जल में, भूमि के भीतर पाताल के तल में खिलते हुए कब से भोजन है संकेत, सुझाव संदेश भेजते रहेंगे। इतने में सहसा दूर क्षितिज पर दिखते हैं मुझको बिजली की नंगी लताओं से झर रहे सफ़ेद नीले मोतियों, चारपाई पर फूल गुलाबी, उठते हैं वहीं पर अकस्मात अग्नि के फूलों को समेटने लगते हैं, मैं उन्हें देखने लगता हूँ एकाएक, अचानक विचित्र स्फूर्ति में मैं भी जमीन पर पड़े हुए चमकीले पत्थर लगातार चुनकर बिजली के फूल बनाने की कोशिश करता हूँ, रस में विकिरणों से मेरे भी
प्रस्तर करते हैं प्रतिक्षण, तेजस क्रिया मणि रत्न, रत्न कैसे हैं ये सभी, बिजली के फूलों की भांति ही यत्न हैं वे अभी, किंतु असंतोष मुझको गहरा है, शब्द अभिव्यक्ति अभाव का संकेत, काव्य चमत्कार उतना ही रंगीन है परंतु ठंडा, मेरे भी फूल हैं तेजस्वी पर अतिशय शीतल हैं, मुझको तो बेचैन बिजली की नीली ज्वलंत बाहों के बाहों को उलझा करती है उतनी ही प्रदीप्त लीला, आकाश भर में साथ साथ उसकी घूमना है मुझको, मेरे पास रंग है बिजली का गौर है कि भीमाकार है मेघ में मैं काला हूँ, परंतु मुझ में है गंभीर आवेश अथाह प्रेरणा स्रोत का संशय, अरे इतने रंगीन पत्थर फूलों से मेरा काम नहीं चलेगा, अरे इतने रंगीन पत्थर फूलों से मेरा काम नहीं चलेगा, क्या कहूँ मस्तक कुंड में जलती है सतचित वेदना, सच्चाई व गलती है मस्तक सिराओं में तन तनाव दिन रात, अब अभिव्यक्ति के सारे खतरे उठाने होंगे, अब अभिव्यक्ति के सारे खतरे उठाने होंगे, तोड़ने होंगे मठ और गढ़ सब, मठ और गढ़ सब, पहुंचाना होगा दुर्गम पहाड़ों के उस पार, तब कहीं देखने को मिलेगी हमको नीली झीली की लहराती थाहें, जिसमें की प्रतिपल कांपता रहता है अरुण कमल एक, धसना ही होगा शीतल के हिम सील सुशील जल में, जादुई झील को करनी होगी मेरी प्रतीक्षा, जादुई झील को करनी होगी मेरी प्रतीक्षा। बहुत धन्यवाद।